हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम सिक्स क्लास इंग्लिश का लेसन 5 देखते हैं, सुल्तान सलादीन एंड द जेविस मर्चेंट। सुल्तान सलादीन और जेविस मर्चेंट के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आंसर दिस क्वेश्चन। हम अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाई डिड सलादीन थिंक ऑफ ए ट्रिक टू गेट सम मनी फ्रॉम द जेव। सलादीन ने यहूदी से कुछ पैसे पाने के लिए तरकीब सोची। उसने कुछ पैसे पाने की क्या तरकीब सोची, उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर देते, द जेव वॉज ए मिजर, ही वुड नेवर लैंड ए बिग अमाउंट ऑफ मनी विलिंगली। द सुल्तान नीडेड द मनी बैडली बट ही हैड नो रीजन टू यूज फोर्स। क्या बोल रहे हैं कि जेव एक कंजूस था, जेव एक कंजूस व्यक्ति था, वह कभी भी स्वच्छता से बड़ी मात्रा में पैसे नहीं निकालता, स्वच्छता से बड़ी मात्रा में पैसे नहीं निकालता है। सुल्तान को पैसे की सख्त जरूरत थी, उस कंडीशन में सुल्तान को पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह और बल का उपयोग करने का कोई कारण नहीं है, बल का उपयोग करने का कोई भी कारण नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड सलादीन वेंट द जेव टू फिल हिम। क्या बोल रहे हैं कि सलादीन क्यों उसे बताना चाहता था, सलादीन क्यों उसे बताना चाहता था। एंसर, सलादीन वांटेड द जेव टू टेल हिम व्हिच ऑफ द थ्री रिलीजन्स जुदाइज्म इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी वाज द ट्रू एंड द बेस्ट वन। क्या बोल रहे हैं कि सलादीन चाहता था कि यहूदी उसे बताए कि तीन धर्म कौन से हैं। ठीक है, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। सच्चा वो सबसे अच्छा है, ठीक है, सच्चा और सबसे अच्छा है, द बेस्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द रिच मैन डिसाइड टू हॉनर द रिंग। ठीक है, हम अमीर आदमी ने अंगूठी का सम्मान करने का फैसला कैसे किया। जो अमीर व्यक्ति था उसने अंगूठी का सम्मान करने का फैसला कैसे किया, आंसर देखते हैं। द रिच मैन डिसाइड टू हॉनर हिज रिंग, ही टोल्ड हिज सॉन्ग दैट व्हेन ही वुड बी डिंग्स ही वुड गिव द रिंग टू द ऑर्थेस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स। ठीक है, आंसर क्या बोलता है कि अमीर आदमी ने अपनी अंगूठी का सम्मान करने का फैसला लिया, उसने अपनी अंगूठी का सम्मान करने का फैसला लिया। उसने अपने बेटे से कहा कि जब वह मर जाएगा तब वह सबसे योग्य अंगूठी देगा, तब वह क्या करेगा, सबसे योग्य अंगूठी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू हिज हैंड डिड द रिंग कम इन द एंड। ठीक है, अंत में रिंग किसके हाथ में गई। क्या बोल रहे हैं कि अंत में रिंग किसके हाथ में गई। ठीक है, आंसर, इन द एंड द रिंग कम इन टू द हैंड्स ऑफ ए मैन हु हैड थ्री इक्वली वर्थी सन्स। ठीक है, अंत में अंगूठी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आती है जिसके तीन समान रूप से योग्य पुत्र इक्वली वर्थलेस सन्स। ठीक है, जिनके तीन समान रूप से योग्य पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द मैन डू टू प्लीज ऑल थ्री ऑफ हिज सन्स। आदमी ने अपने तीनों बेटों को खुश करने के लिए क्या किया, आदमी ने अपने तीनों बेटों को खुश करने के लिए क्या किया, क्या तरकीब। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, द मैन गॉट टू अदर्स एग्जैक्टली सिमिलर रिंग्स प्रिपेयर्ड एंड सीक्रेटली गिव ए रिंग्स टू ईच ऑफ हिज सन्स। इन दिस वे ही प्लीज्ड ऑल थ्री ऑफ हिज सन्स। क्या बोल रहे हैं कि आदमी ने दो आसमान छल्ले तैयार किए गए और चुपके से अपने प्रत्येक बेटे को एक अंगूठी दी, अपने प्रत्येक बेटे को एक अंगूठी दी। इस तरह उसने अपने तीनों बेटों को खुश किया, इसी तरह उसने अपने
तीनों बेटों को खुश किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज इट नॉट पॉसिबल टू सेटल द क्वेश्चंस ऑफ इनहेरिटेंस? क्या बोल रहे हैं कि विरासत के सवाल का निपटारा करना क्या संभव नहीं था? विरासत के सवाल का निपटारा करना क्या संभव नहीं था? आंसर देखते हैं। द थ्री रिंग्स गिव टू द थ्री यंग मैन बाय देयर फादर वर एग्जैक्टली सिमिलर, नॉन ऑफ द देन कुड टेल विच वाज द ट्री ऑन, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डेड मैन। उसने पिता द्वारा तीन पुरुषों को दी गई अंगूठियां बिल्कुल समान सी थी, बिल्कुल समान सी थी, कोई भी नहीं बता सकता था उस कंडीशन को, कोई भी नहीं बता सकता था कि कौन सी सच्चा था। इसलिए मृत पुरुषों की संपत्ति के उत्तराधिकारी के प्रश्न का निपटारा करना संभव नहीं था। इसलिए जो व्यक्ति मर चुका था उसके प्रश्न का निपटारा करना संभव नहीं था।